हेलो वंशियन लवर, वेलकम टू माय चैनल। विंग वाइन आधा ही पिया था, उसमें ही उसका हालत खास कर खराब हो गया था। जिसे देखकर वांग जी विंग के हाथ से ग्लास ले लेता है और बाकी का वो खुद पी लेता है। वांग जी ग्लास टेबल के ऊपर रख कर बेड से खड़ा हो जाता है और अपने ऊपर के क्लोथ हटाने लगता है। जिसे देखकर विंग और ज़्यादा नर्वस होने लगता है। घबराहट उसके आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था वांग जी को। वांग जी विंग की तरफ देखकर शांति से पूछता है, क्या हुआ, तुम इतने डरी हुई क्यों हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं करूँगा? विंग कुछ नहीं कहता तो वांग जी विंग के पास आ जाता है और एक एक करके उसके बॉडी से कपड़े की लेयर को हटाने लगता है। विंग वांग जी को ऐसा करने से रोकना चाहता था, लेकिन वो एक प्रिंस है और उसका पति भी, तो वो ऐसा नहीं कर सकता था। विंग बस मन ही मन गॉड से प्रे करने लगता है। वांग जी क्लोथ रिमूव करते समय विंग की नेक पर किस करने लगता है। विंग इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो बस एक फ्रोजन डॉल की तरह बैठा हुआ था, जिसे वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस हंग्री उल्फ की तरह विंग के नेक को खाने लगा था, जिसे विंग दर्द से रोने लगता है। फिर भी वो उसे रोकने के लिए नहीं कहता, वो ऐसा नहीं कर सकता था। अचानक वांग जी अपनी गहरी आवाज़ में विंग से उसके कपड़े निकालने के लिए कहता है, जिसे सुनकर विंग के आत्मा तक शॉक्ड हो जाता है। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तो विंग अपने जगह पर ही चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहता है। जिसे वांग जी गुस्से में विंग को अपने करीब खींचकर उसके कपड़े को पूरी तरह से फाड़ देता है। विंग अपने हाथों से खुद को हाइड करने की भी कोशिश करता है, तो वांग जी उसका हाथ हटा देता है। विंग को देखते ही वांग जी अंदर से बहुत ज़्यादा हार्ट महसूस कर रहा था, जस्ट लाइक ए रॉक। उसे दर्द भी बहुत हो रहा था। वांग जी उसे डार्क वॉइस में कहता है, हे तुम खुद को मुझसे छुपा क्यों रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें टच करूं? विंग अभी भी चुप था। इस बार वांग जी को गुस्सा नहीं आता। वो गुस्सा ना करके प्यार से विंग के चिन को पकड़कर शांति से कहता है, डरो मत ब्यूटी, तुम मुझे पसंद हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम बस अभी मेरा साथ दो, ओके? अगर तुम्हें पता नहीं तो मुझे फॉलो करना, ठीक है? यही कहकर वांग जी विंग के अंडर गारमेंट्स को भी निकालना शुरू कर देता है। विंग डर से टाइटली अपना आंखें बंद कर लेता है। काफ़ी देर तक वांग जी विंग के बॉडी को घूरने लगता है, तो उसे अपने साथ हुए धोखे से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वांग जी विंग को गुस्से में बेड पर फेंक कर उसके करीब आकर उसके जॉ लाइन को टाइटली पकड़ते हुए पूछता है, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यह भेजा है? क्या तुम कोई जासूस हो? विंग बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो नहीं कह पाता। ऑल्सो उसे अपने फेस पर बहुत ज़्यादा दर्द भी महसूस होने लगता है। वांग जी के ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट है। पेन की वजह से विंग रोने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि अभी उसका सारा दांत टूट जाएगा, और उसे शर्मिंदगी भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। वो अभी चाहकर भी अपने नेकेड बॉडी को छुपा नहीं सकता था और ना ही वांग जी का गुस्सा शांत कर सकता है। वांग जी गुस्से में विंग को बेड पर फेंकते हुए कहता है, जियांग ने मुझे धोखा दिया है। वो लोग कैसे किसी लड़के को मेरे कॉन्कुबाइन बनाकर भेज सकता है? मैं उनके हर एक कर्मों का फल दूंगा उन्हें। मैं उन्हें मार दूंगा। मैं किसी को नहीं स्पेयर करूंगा। ये सुनते ही विंग वांग जी का पैर पकड़ लेता है और अपने पास आसपास देखने लगता है। विंग अपने लिए पेन और पेपर ढूंढ रहा था ताकि वो वांग जी को लेकर अपना बात समझा सके, लेकिन उसे वह कुछ भी नहीं मिलता। वांग जी गुस्से में विंग के बालों को खींचकर उसके नज़दीक आकर कहता है, वो लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, अब तुम उसका भुगतान करोगे। मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम अपने जिंदा होने पर बहुत ज़्यादा अफसोस करोगे। हर दिन रोओगे तुम
और मरने की भीख मांगोगे मुझसे। अब मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाने की ज़रूरत है, ताकि उन जियांस को भी पता चले कि उन लोगों ने किसे धोखा दिया है। वांग जी को ये एहसास भी नहीं हो रहा था। उसके हर एक शब्द बीइंग को बहुत ज़्यादा दर्द पहुँचा रहा था। उसने अपने लिए कभी ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं चाहा था जो उसे नफरत करते हो, उसे दर्द दे। वांग जी विंग को फोर्सफुली बेड पर फेंक कर उस पर एक बॉडी स्पेल लगा देता है, जिससे विंग के बॉडी पूरी तरह से फ्रोजन हो गया था। विंग एक इंच भी नहीं हिल पा रहा था अपने जगह से। वांग जी विंग की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, ऊपर से शराब की और एक बटल ले लेता है और उसे झट से पूरी तरह से पी लेता है, जिससे वो और भी ज़्यादा नीडी और एंग्री महसूस कर रहा था। उसने अपना नज़रे विंग पर से नहीं हटाया था। लास्ट और एंग्रीनेस से वांग जी बुरी तरह से अपना कंट्रोल खोने लगता है। आज उसका लास्ट उसे पूरी तरह से क्रेजी और हंग्री बना दिया है। अब वो उसे छूना चाहता है और उसके गर्माहट को महसूस करना चाहता है। वांग जी जल्दी से अपने सारे कपड़े को निकाल देता है और इसे फ्लोर पर हार्शली फेंक देता है और खुद भी नेकेड हो जाता है। वांग जी विंग के स्टमक को टच करने लगता है, जिसे उसे वार्मनेस और सॉफ्टनेस महसूस होता है, तो उसके अंदर अब और ज़्यादा प्यास बढ़ जाता है विंग के बॉडी को अपना बना लेने का और उसे टेस्ट करने का। वांग जी एक हंग्री उल्फ की तरह विंग के बॉडी पर अटैक कर देता है। वो उसके लिप्स पर एग्रेसिवली किस और बाइट करने लगता है और उसके अपर बॉडी में डार्क हिकिस देने लगता है। वांग जी अपने गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि उसने विंग के बेबसी और दर्द देखा ही नहीं दे रहा था। विंग लाउडली रो रहा था, जिसे वांग जी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है, तो विंग पर अपना साइलेंसिंग स्पेल लगा देता है और टाइटली विंग के दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और उसके सिर के ऊपर लेकर पिन कर देता है, जिससे विंग को अपने रिस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसके हाथ में वांग जी के हाथ के फिंगर्स के रेड निशान बन जाता है। वांग जी हर बार जब भी खुद को विंग के अंदर इंसर्ट कर रहा था, वो पूरा मेक श्योर कर रहा था कि विंग को इसे दर्द हो, ताकि उसे पछतावा हो सबके साथ मिलकर वांग जी को धोखा देने का और इस बारे में सोचने का। दर्द से विंग का आत्मा तक भी रोने लगता है। वो अपने आंखों से वांग जी को रोकने के लिए इशारा कर रहा था, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। वांग जी विंग के निपल पर एग्रेसिवली सक और बाइट कर रहा था। विंग के पूरी बॉडी अब वांग जी के दिए हुए हिकी मार्क से भर गया था। वांग जी विंग के प्राइवेट पार्ट को भी बहुत ही एग्रेसिवली रब और सक करने लगता है, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट महसूस होने लगता है और डर्टी फील होता है। वांग जी खुद को विंग के ऊपर रखकर ही अपने वन फिंगर विंग के इनसाइड इंसर्ट करता है। विंग को अपने लोअर एरिया में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बस हेल्पलेस होकर वांग जी के नीचे पड़ा था और अपने जिंदा होने पर अफसोस कर रहा था। उसे अभी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने उसके बॉडी को हजारों टुकड़े में टुकड़ा कर दिया हो। वो अपने बॉडी को महसूस नहीं कर पा रहा था। विंग अपने बॉडी को थोड़ा मूव करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि वांग जी ने उसे अपने स्पेल और बॉडी से पूरी तरह से कैच करके रखा था। वांग जी फिंगरिंग करते हुए ही उसके नेक पर एग्रेसिवली बाइट कर रहा था। विंग को इस वक्त कोई भी प्लेजर महसूस नहीं हो रहा था, उसे बस पेन ही पेन फील हो रहा था। विंग थोड़ी देर में इसे रिलीज कर देता है, जिसे देखकर वांग जी एक इविल स्मार्क करता है। विंग हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। उसे आप कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था डिजीनेस के कारण। वांग जी विंग की तरफ झुकता है तो विंग उसके आंखों में बेबस होकर देखने लगता है, जैसे कि वो अभी वांग जी को यही कहना चाहता हो कि रुक जाओ,
मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, जिसे वांग जी पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और भी ज़्यादा एग्रेसिवली खुद को उसके अंदर इंसर्ट करके अपने बॉडी को फुल फोर्स के साथ मूव करने लगता है। वांग जी नॉन स्टॉप विंग के साथ ये सब कंटिन्यू करता है। उसे हर बार विंग के साथ इंटीमेट होते हुए बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा था। वांग जी कंटिन्यूसली विंग के साथ रफ सेक्स करने के वजह से विंग के बॉडी से अब पूरी तरह से एनर्जी जा चुका था। वो अब बस वांग जी के बॉडी के नीचे लाइफ लेस होकर पड़ा था। उसके आंखों में आंसू भी अब सूख चुका था। उसके मुंह से एक आंख तक भी नहीं निकल रहा था। विंग मन ही मन सोचने लगता है, वो कितना बदनसीब है, उसके खुद के हस्बैंड ने ही आज उसे रेप कर दिया है। ये सोचते हुए वो वांग जी के चेहरे को देखता है और मन ही मन सोचता है, तुमसे सुंदर शायद ही कोई इंसान हो, लेकिन मुझे अब तुमसे नफरत है। मैंने तुम्हें चांद और एंजल समझ लिया था, लेकिन तुम तो लान वांग जी, तुम एक इंसान भी नहीं हो। अब मैं समझा बहन ने क्यों कहा था कि तुम एक इविल पर्सन हो और बहुत ज़्यादा अगली देखते हो। बहन ने तुम्हारे इस अगले चेहरे के बारे में ही कहा था। 3 घंटा हो चुका था विंग को ये सब सहते हुए। विंग को अब अपने आंखों के सामने ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहा था। वांग जी उसे इतना दर्द देना चाहता था ताकि विंग को अपने काम कर्मों पर शर्म आए और वो दोबारा किसी को चीट करने के बारे में सोच ना सके। विंग वांग जी के नीचे ही अपना होश खो देता है। वांग जी हर बार विंग के अंदर ही अपने एंगर में इसे रिलीज कर रहा था। वांग जी को जब पूरी तरह सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, वो खुद को विंग के ऊपर से हटा लेता है और ऑल्सो वो विंग के ऊपर से अपनी सारी स्पेल को भी हटा देता है और खुद विंग के पास लेटकर उसके चेहरे को सहलाने लगता है। इतने सालों में वांग जी को आज पहली बार किसी के साथ इंटीमेट होकर सेटिस्फेक्शन मिला है। वो जब भी खुद को रोकना चाहता था, तभी विंग को देखकर वो और ज़्यादा हार्ड बन जाता था। ऐसा पहली बार हुआ था, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले वांग जी अपने किसी भी कॉन्कुबाइन के साथ एक ही रात में 2 बार से आगे कुछ नहीं किया था, क्योंकि उसके बाद वांग जी को उन पर गुस्सा आने लगता था, उसे वो लोग सेटिस्फाइड नहीं कर पाती थी। वांग जी कभी नहीं सोचा था कि विंग उसे इतना सेटिस्फाई कर पाएगा। वो जब भी उसे टच कर रहा था, उसे अपने बॉडी में एक अनजानी सी सेंसेशन महसूस हो रहा था। वांग जी फाइनली विंग की तरफ देखता है, जो अनकॉन्शियस पड़ा था। वांग जी विंग के नेकेड बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर देता है और खुद बात लेने के लिए चला जाता है। बात लेने के बाद वांग जी विंग के पास आकर लेट जाता है। थोड़ी देर में ही वांग जी को गहरी नींद आ जाता है। हर रोज की तरह वांग जी सुबह के 5 बजे नींद से जाग गया था। वो अपना आंखें खोलकर बेड की दूसरी तरफ देखता है। विंग अभी भी अनकॉन्शियस पड़ा था और उसके व्हाइट स्किन पूरा रेड मार्क से भर गया था, जिसे देखकर वांग जी को थोड़ा सा भी गिल्टी महसूस नहीं होता। उसे काल रात के बारे में सब कुछ अच्छे से याद है, फिर भी उसे कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का। उसके लिए तो विंग एक दोषी है और ये सब कुछ वो डिजर्व करता है। वांग जी बिना कुछ कहे या विंग के मदद किए बेड से नीचे उतरकर बात लेने के लिए बाथरूम में आ जाता है। बात लेकर वांग जी अपने कमरे में आकर क्लोजेस्ट ओपन करता है और उसमें से अपने लिए क्लोथ निकाल कर पहन लेता है और उसके तरफ बिना देखे ही कमरे से बाहर चला जाता है। वांग जी बाहर आते ही उसे बाहर शिचेन मिल जाता है। वांग जी को रोक कर शिचेन शांति से कहता है, बधाई हो वांग जी, कल शादी के बाद मैं बहुत बिजी हो गया था, इसीलिए तुमसे और तुम्हारी पत्नी से नहीं मिल पाया था। वांग जी तुरंत कहता है, उसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो अभी सो रहा है और मैं नहीं चाहता कि कोई उसे डिस्टर्ब करे, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा थकी हुई है।
तो कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। शिचेन को वांग जी के बात बहुत ज़्यादा रूड लगा, लेकिन वो अपने भाई को अच्छे से समझता है। वांग जी थोड़ा कोल्ड और एरोगेंट ज़रूर है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। अंदर से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। शिचेन फिर से कहता है, कोई बात नहीं, अंकल ने तुम्हारे शादी के लिए आज बैंक्वेट रखा है, तब मिलना हो जाएगा हमारा। तुम जाओ अभी, अपना काम करो, बाद में बात करते हैं। वांग जी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।